मुनिवर जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तो हमारे वाल्मीकि को पुनः अयोध्या में वापस कर देना। मर्यादित राम कहने लगे हैं, भगवान गुरुदेव आपका कार्य तो हो गया, अब हमें हमारे पिता महाराज राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में पहुंचा दो। विश्वामित्र कहने लगे हैं, ठीक है लाल, आज विश्वामित्र को तो पता है जनकपुर में धनुष का खंडन चल रहा है, कहा बेटा चलो। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भगवान कहने लगे, महाराज अरे हम आए तो इस रास्ते से थे, है? मैं तो इधर से आया था, लेकिन भगवान आप हमें उल्टी रास्ते में कहां लिए चल रहे हो। महाराज विश्वामित्र कहां जा रहे थे ये भगवान राम जान सब कुछ रहे हैं, लेकिन पूछना चाहते हैं, और कहां गए विश्वामित्र, कब चले। कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। महाराज विश्वामित्र अपने आश्रम से आज मिथिलापुरी के लिए जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। और क्वार शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री नाम चले। महाराज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े, कब पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। क्वार शुक्ल द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। भगवान कहने लगे, प्रभु आप हमें विपरीत रास्ता पे कहां लिए जा रहे हो। प्रभु अरे हम तो इधर से आए थे, आप इधर कहां लिए जा रहे हो। उसी समय कौन विश्वामित्र कहने लगे, सुनो बेटा तुम्हें हम कहां लिए चल रहे हैं, क्या बताया। कि मुनि कहते जनकपुर, लला सीधे हम तुम्हें अयोध्या नहीं पहुंचाएंगे, यहां पर एक जनकपुरी पड़ती है उसको घुमाते हुए चल रहे हैं। कि मुनि कहते जनकपुर होते चलो रे, मुनि कहते जनकपुर कहा बेटा तुम्हें जनकपुरी की ओर से लेकर के चल रहे हैं, और क्या बताया। धनुषी धरो है और उसको भी तोड़े, और उसको भी तोड़े मरोड़े चलो रे मुनि कहते जनकपुर। अरे उन्हों को मानो घटा दे चलो रे मुनि कहते जनकपुर।
विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, अरे बेटा लक्ष्मण, अरे इधर से चल रहे हैं, राजा जनक की नगरी घूमते हुए चल रहे हैं, वहां पर धनुष का खंडन चल रहा है, बड़े बड़े राजा लोग एकत्रित हैं, हाय भगवान सब जान रहे हैं, भगवत प्रेमियों, अंत में विश्वामित्र दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे मिथिलापुर की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़े, कब बढ़े, के चले हैं रघुराई, चले हैं रघुराई, अरे पहुंचे फूल बाग में जाई, चले हैं चले, मर्यादित राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ कब बढ़े, अरे थी क्वार की पूरन मासी, और पादिन चले अबदपुर वासी, और पादिन चले अबदपुर वासी, खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई, विश्वामित्र धीरे धीरे आगे बढ़े, कुछ हरी भरी बाग को घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फूल के बाग को, जिस समय राजा दशरथ के राजकुमार पार कर रहे हैं, धीरे धीरे विश्वामित्र आगे हैं, हरी भरी हरियाली को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं भैया ज्ञान सिंह, और जिस समय आगे बढ़े तो वहां पर भगवान ने एक ऐसा चंबा देखा है, कहीं भी जाओ सब कुछ हरा भरा दिखेगा, लेकिन बाघ को हरा भरा घूमते हुए जब आगे बढ़े तब महाराज राजा दशरथ के राजकुमारों ने एक अचंभा देखा। क्या देखा, कि आगे बढ़ कर प्रभु ने देखा, अरे बीहड़ उजाड़ निर्जन मन है, भगवान राम ने देखा एक निर्जन वन दिखाई पड़ा, जिस वन में किसी भी पेड़ में कोई फूल नहीं है, किसी भी पेड़ में कोई पत्तियां नहीं है, अरे किसी भी पेड़ में कोई फल भी नहीं है। राम सोचने लगी ये क्या है, क्या देखा, पशु पक्षी नजर न आते हैं, ऐसा बन बना भयानक है,
मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा निर्जन बने हैं, जहां पर कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, किसी भी पेड़ में फूल फल पत्तियां भी नहीं है, सूखा वन पड़ा हुआ है। और उस वन में जब आगे बढ़े तब भगवान ने क्या देखा, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, है? पत्थर की शिला पड़ी हुई है और उस पत्थर का जो आकार है वो नारी के स्वरूप का है। महाराज विश्वामित्र से मर्यादित राम कहने लगे हैं, गुरुदेव ये तो वन निर्जन वन है, लेकिन इस वन में एक ये पत्थर की शिला कौन पड़ी हुई है, इसका आकार इसका रूप तो नारी जैसा लग रहा है, गुरुदेव ये कौन है? महाराज विश्वामित्र बताने लगे, बेटा राम ये कोई साक्षात पत्थर नहीं है, बल्कि ये गौतम ऋषि की नारी है। गुरुदेव गौतम ऋषि की नारी, लेकिन ये तो पत्थर दिख रही है। कहा बेटा ये पत्थर हो गई है। गुरुदेव ये पत्थर कैसे हो गई? विश्वामित्र ने मर्यादित राम को बताया, इसका नाम अहिल्या है, जो गौतम ऋषि की नारी है। ये इतनी रूपवती थी, इतनी सुंदर थी, इसके रूप को देख करके देवराज इंद्र का मन मोहित हो गया। देवराज इंद्र इसके साथ छल करना चाहता था। उसने अपने मित्र को याद किया और इंद्र का मित्र कौन था? चंद्रमा। चंद्रमा को याद किया, भैया आपको हमारी मदद करनी होगी। है? क्या क्या मदद करनी है? बताया आपको गौतम ऋषि के यहाँ जाना है और मुर्गे का रूप धारण करना होगा, आवाज लगानी होगी। भगवत प्रेमियों, सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख और सुख में साथ दे, वही सच्चा मित्र है। और आजकल के मित्र तो ऐसे हैं, है? आजकल की मित्रता जो यही है, बन जाते हैं मित्र हजारों, अरे बन जाते हैं मित्र हजारों जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास। है? आजकल की दोस्ती है, घर में पैसा है या सुंदर बहन बेटी है तो तुम्हारे हजारों मित्र बन जाएंगे, और ये यदि में नहीं है तो तुम्हारे तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। आजकल की दोस्ती है। अरे आजकल के करते हैं यारी, और ऐसे दोस्त को कब तक सबक नहीं मिलेगी, अनुरागी जी बता रहे हैं। अरे ऐसे इनको सूझ पड़े ना, अरे जब तक इन पे जूता बजेगा, ऐसे मित्रों से दोस्ती बहुत हिसाब में करना। क्यों बताया? अरे सोच समझ के यारी रे करियो, और रस्सी के धोखे मत सांप पकड़िए। काहे मुहल्लवे
बिगाड़ी दो, जा कुत्ता ने मोहल्ला बिगाड़ी दो। लला मनो लला मनोज, भगवान राम को विश्वामित्र समझा रहे हैं, मित्र से